पिताजी का राष्ट्र प्रसाद हमारे शरीर पर इतने धूल मिट्टी है, हम बैठेंगे तो पिताजी का ये पितावरी पोशाक गंदे हो जाएगा। सोचे तुम्हारा भूल है पुत्र काहे सित जल पाप करण समीरा पंच दिशा अधम सहीरा। ये रास्ता या आभूषण है पानी से धो दिया जाएगा पर जीते जागते पुत्र को नीचे नहीं बैठा जाएगा। पुत्र आंख बंद कर लेने से सूर्य की प्रकाश लोप नहीं होती है, उसी प्रकार से राजाओं की वाणी लुप्त नहीं होती। ये बात तो सत है पिताजी, लेकिन लेकिन हम आपके जगहों पर नहीं बैठ सकते हैं। मैं अपने स्वर्ग सच बैठाता हूँ और बैठे में पिताजी हम नीचे में बैठ जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा क्या मत करो, एक पिता का कहना मानकर पुत्र का कदर करना यही कर्तव्य। स्वामी जी मैं अब क्या बोल के गई थी, मेरे उत्तम बेटा के सिवा आपके गोद में कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहिए। लड़का है कौन? ये लड़का तुम्हारा नाना, ये लड़का कौन है? तेरा बेटा कहाँ गया था? मेरा बेटा जंगल शिकार खेलने गया था। शिकार खेलने गया था? तेरे बेटे का बाघ सुगर शिकार खेल लिया क्या? तेरा बेटा चिल्ला रहा था कोई है बचाओ, सौभाग्य बालक का है जो तेरे बेटे का आके जान बचा दिया। नहीं क्या हुआ स्वामी जी? तेरा पुत्र से दोस्ती भी कर लिया, पूछ अपने बेटे से। हे भगवान, स्वामी जी आप पहले ये क्यों बताए ये उत्तम कुमार का दोस्त है? बताइए, आया उठा के फेंक दिया उसको, पहले हम बता देते। मोबाइल में नंबर है, पहले फोन करके फलना आदमी आ गया। स्वामी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। किसी आदमी को एक थप्पड़ खींच लो को गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैं माफ कर देगा। देखिए स्वामी जी मैं इस बालक को इतना प्यार दूंगी, इतना दुलार करूंगी ताकि सारी गलती को भूल जाएगा। देखो इसलिए कहा है राम ने तुम्हारे समझ लिया है कि ढोल पशु कमारी है नारी ये सब है तारण की अधिकारी। क्या वो समझी? तुम जो कही क्यों मैं उतना प्यार दूंगी उतना सम्मान करूंगी इसे चौपाई याद आ गई कि ढोल पशु कमारी है नारी और तुम देश तारण के अधिकारी। फिर कहा है क्या समझी कि गोरखा रखा और न बदल गोरखर खा उटंगर घोरी कम करो चाकर चोर कुलाछन नारी स्वामी जी में क्या कुलाछन हूँ? नहीं हो आया दरबार पूछना चाहिए लड़का कौन है क्यों बैठा है
तो नाया उठा के फेंक दिया, कितना बड़ा तकलीफ होगा। अपनी माँ के पास जाएगी तुम्हारी पढ़ाई करेगी। स्वामी जी मैं अभी अभी आपके लिए गरम गरम नाश्ता बना के आई हूँ। चूरा फ्रा नहीं, मछली फ्रा किया हूँ। आप जाइए नाश्ता कीजिए, मैं पुत्र से मिलती हूँ। ठीक है उत्तम, पुत्र अपने माँ से मिलो। माँ की गलती एक पुत्र के साथ हो जाए, पुत्र का कर्तव्य होता है उनकी गलती को क्षमा कर दो। क्यों नहीं, जाइए स्वामी जी। अरे उत्तम, देखो पुत्र, कम से कम तुझे बताना चाहिए माँ ये मेरा मित्र जी है। माँ मैं कैसे बोलता, आप उधर जाया मित्र जी को उठा कर पटक के बस आप कह रहे हैं आपको बता देता। अच्छा लेकिन उत्तम कोई बात नहीं माँ, माँ यदि एक नफर अपने पुत्र को मार दे इसमें कोई दुख की बात नहीं है। अच्छा माँ बेटी को नहीं मारेगा तो किसको मारेगा, मुझे कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखो पुत्र तुझे दिक्कत नहीं हुआ? नहीं माँ कोई दिक्कत नहीं है। ओ लो 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 कितना सुगा है। अरे उत्तम अपने मित्र को पहली बार माल दिखाने के लाए हो, क्या उसका स्वागत नहीं करोगे? हाँ माँ उसका स्वागत करेंगे। मैं अभी नाश्ता बना कर आई हूँ, तुम यहाँ से महल जाओ, गरम गरम नाश्ता लेके आओ। ठीक है माँ, जा तुझे। ठीक है जाओ उठे जाओ। हेलो सर, हेलो, आइए नाम के दौर में है संतोष पासवान और सुमन कुमार, इन दोनों ने मिलाकर के इस सीन को बहुत कदर करते हुए उन्होंने 11 रुपए हैं नवाजने के लिए हमारी पार्टी। लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। और आइए इनाम के दौर में है आप संतोष कुमार पासवान और सुमन कुमार, इन दोनों ने मिलाकर के फिर 11 रुपए नमस्ते हैं नवाजने के लिए हमारे पार्टी। लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। और कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि मत फेंक पानी में पत्थर उसे भी कोई पीता है, कहते हैं कि मत फेंक पानी में पत्थर उसे भी कोई पीता है, मत कर इतना बेवफा प्यार, एक खगड़िया वाली भौजी तुझे भी देख करके याद में कोई जीता है। तो आइए लेकर चलते हैं, इसी तरह आप लोग हल्ला गुल्ला को शांत बना करके बैठे रहे हैं। आइए लेकर के चलते हैं अगला सीन, अगला दृश्य, अगला कहानी। माँ क्या मेरे मित्र का माँ है तो मेरा माँ ही हुआ। प्रणाम माँ। रमचादा अरे रमचादा कुत्ता की औलाद, मैं तुम्हारी माँ हूँ रे। कैसी माँ रे, मैं तुम्हारी कैसी माँ हूँ रे? तो खड़े हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रमजादा पहले ये बता तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेटे के साथ में दोस्ती करने का? मेरे बेटे के साथ दोस्ती किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम मेरे बेटे के साथ में महल तक आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। रमजादा मेरे स्वामी जी राजसिंहासन पे रसाई आभूषण पीतांबरी पहन के बैठे हुए थे, तुम्हारे सर कितनी मिट्टी धूल लगी हुई है, मेरे स्वामी जी के गोद में बैठ के उसकी सारी आभूषण को धंधा क्यों किया? लेकिन माता जी जाओ, मैं अपने मर्जी से नहीं बैठा पिताजी की गोद में। अच्छा हाँ अपने मर्जी नहीं बैठा? नहीं, पिताजी ने हट करके मुझे गोद में बैठने से मजबूर किया। अच्छा हाँ माँ, वो तुम्हारे पिताजी हैं? माँ अच्छा, मित्र का पिताजी, मित्र का पिताजी। हेलो 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 रमजादा, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा आगे में कुआं है तो उसमें जान दे दो, क्या तुम जान दे दोगे? माँ ऐसी परिस्थिति में हो जाए तो जान देने में कोई गुनाह नहीं है। रमजादा मुझसे जुबान लगा रहे ऐसे की तरह।
ज्यादा आहे कावाना साला कच्चा चला जाऊंगी रे आका शुरुआत मैया जी छोड़ दिया वाहे हमारो ये जी बदम है मेरे सामने रोता है रे हुआ मर जाना बेचारा